प्यारे बच्चों, आप सभी 8वीं क्लास के विद्यार्थियों का सामाजिक विषय में स्वागत। आज हम सामाजिक विषय में करेंगे, हमें संसद क्यों चाहिए, इसके प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि संसद किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? संसद किसे कहते हैं? उत्तर है, देश की केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। संसद किसे कहते हैं? देश की केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। उसे अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। उससे अगला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद या स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में मताधिकार प्राप्त करने की आयु कितनी है, यानी कितनी आयु वाला व्यक्ति अपनी वोट डाल सकता है? उत्तर है इसका 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विधायक हिंदी में, और एमएलए कहते हैं अंग्रेजी में। एमएलए किसे कहते हैं? अंग्रेजी में एमएलए कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? विधायक। अगला प्रश्न है, हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 90 है। कितनी है प्यारे बच्चों? 90। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के दो सदन हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। उससे अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के कुल सदस्य हैं 245। कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताओ। आजकल लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, उसका नाम बताना है। उसका नाम है श्री ओम बिड़ला। क्या नाम है? श्री ओम बिड़ला। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, इन प्रश्नों को याद करना है, और इसके साथ साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखकर मेरे पास भेजना है, ताकि मैं आपका गृह कार्य चेक कर सकूं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि शनिवार को होने वाली क्विज प्रतियोगिता में सभी विद्यार्थी भाग लें, ताकि आपके क्विज प्रतियोगिता में आए नंबरों को साल में अंतिम साल के अंतिम में होने वाली परीक्षा में उन सभी अंकों को जोड़कर आपकी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए, जिससे कि आपके अच्छे अंक हों। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को एक आकर्षक इनाम देगी, और आप उस इनाम के हकदार हैं, बशर्ते कि आप इस प्रतियोगिता में क्विज प्रतियोगिता में भाग लें। धन्यवाद।